अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। आवर टुडेस कोर्स इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक मॉडर्न एज। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें बिना स्किप किए, ताकि आपको फुल टॉपिक की अच्छे से समझ आ सके। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न एज। मॉडर्निज्म इज इन इट्स ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन थॉट करेक्टर और प्रैक्टिस। मॉडर्निज्म जो है, जदीदियत जो है, वो अपनी गहरी तारीफ, फिक्र, करदार और प्रैक्टिस में है। मोर स्पेसिफिकली द टर्म डिस्क्राइब्स द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। इट्स नॉट ऑफ कल्चरल टेंडेंसी, अ वे ऑफ एसोसिएटेड कल्चर मूवमेंट। और ख़ास तौर पर ये इस्तलाह जदीदियत पसंद तहरीकों की वजाहत करती है। इट्स नॉट ऑफ कल्चरल टेंडेंसीज, अ वे ऑफ एसोसिएटेड कल्चरल मूवमेंट। और ये सकाफती रुझानात और सकाफती तहरीक से ज़्यादा दूर नहीं है। ओरिजिनली अराइजिंग फ्राम वाइड स्केल एंड फार रीचिंग चेंज टू वेस्टर्न सोसाइटी इन द लेट 19th century एंड अर्ली 20th century। और असल में ये 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के अवाल में के शुरू से बड़े पैमाने पर मगरबी माशरे में बड़े पैमाने पर और दूरस तब्दीलियों से विरोध में आई। मॉडर्निज्म वाज़ अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव वैल्यूज़ ऑफ रियलिज्म। मॉडर्निज्म असलियत की कंजर्वेटिव इक्तदार के खिलाफ एक तहरीक थी। आर्गुएबली द मोस्ट पैराडिग्मेटिक मोटिव ऑफ मॉडर्निज्म इज इट्स रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशन। और आर्गुएबली बहुत सारे पैराडिग्मेटिक तहरीकें मॉडर्निज्म के ट्रेडिशन या रवायत का इनकार करती हैं। मॉडर्निज्म रिजेक्टेड द लिंगरिंग सर्टेनिटी ऑफ एनलाइटमेंट थिंकिंग। मॉडर्निज्म ने, जदीदियत पसंद ने इनलाइटमेंट की फिक्र को, इनलाइटमेंट की सोच को, उसकी जो सोच थी उसको रिजेक्ट कर दिया, उसे इनकार कर दिया, उसे रद्द कर दिया। एंड आल्सो रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपैशनेट ऑल पावरफुल क्रिएटर गॉड। और एक बहुत रहमदिल और तमाम ताकतवर खालिक खुदा के वजूद को भी रद्द कर दिया। इट वाज ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। और ये सब तब्दीलियाँ आईं तेज़ी से टेक्नोलॉजी में और संती में, टेक्नोलॉजी और संतों में तब्दीली की वजह से। इन इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके तारीखी पस मंज़र, द इज़रा पाउंड 1934 इंजेक्शन टू मेक इट न्यू वाज पैराडिग्मेटिक ऑफ द मूवमेंट्स अप्रोच टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट नॉट इज चूज एनी मोर हैविंग बीन रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यूअर एंड बेटर। और इसके तारीखी पस मंज़र में इज़रा पॉइंट के 1934 के हुक्मनामे में इसको नया बनाने के लिए वाज पैराडिग्मेटिक ऑफ मूवमेंट्स, पैराडिग्मेटिक तहरीक के अप्रोच टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट की तरफ अप्रोच की गई। नॉट इज यूज एनी मोर, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, हैविंग बीन रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यूअर एंड बेटर। हाँ, ये हो सकता है कि इसको रिप्लेस किया जाए कुछ नई चीज़ों और अच्छी और नई चीज़ों के साथ। The modernist movement at the beginning of the 20th century marked for the first time event create describes creative ideas, style and methods that are very original or modern in comparison to the period in which they happen. Jadidiyat pasand tehreek 20th sadi ke aagaaz mein jadidiyat pasand tehreek marked hui pehli dafa acche grade takhleeqiyati khayalat andaaz aur tareeqe jo bayan kiye gaye jinki wazahat ki gayi और ये सब बहुत ही ज़्यादा असल और जदीद लगते थे कंपैरिजन, यानी कि उस दौर के मवाजने में जिसमें ये सब कुछ हुआ। करैक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज्म हैव एलिमेंट्स ऑफ जक्स्टापोजिशन, कंपैरिजन, आइनी इमेज
एंड स्टाइल, और जदीदियत की खसूसियात या उसके जैक्सटा पोजिशन के एलिमेंट्स थे, मुआजना था, आयरनी थी, तस्वीरें थी और तंज था। जैक्सटा पोजिशन एलिमेंट्स इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू आइडियाज़। जैक्सटा पोजिशन के जो एलिमेंट्स हैं, जैक्सटा पोजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो दो ख्यालात का मजमूआ है। ओपोजिट इज़ नेचर, कुदरत में मुखालफ, सच एज फ्रेंडशिप ऑफ कैट और माउस, यानी कि जैसे कि बिल्ली और चूहे की दोस्ती। द प्लॉट कैरेक्टर्स और थीम्स ऑफ द टेक्स्ट आर नॉट ऑलवेज लीनियर, मौजूआत के थीम कैरेक्टर और प्लॉट हमेशा लकीरी नहीं होते थे। अ रिजेक्शन ऑफ हिस्ट्री सोशल सिस्टम एंड सेंस ऑफ लोनलीनेस आर आल्सो कॉमन थीम्स, हिस्ट्री को रद्द, माशरियाती निज़ाम और तन्हाई का एहसास, ये भी आम से थीम हैं मॉडर्न एज की। अ साइलेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज्म इज सेल्फ कॉन्शियस, और एक सबसे अच्छी मॉडर्निज्म की खसूसियत खुद शनासी है। इज ऑफ्टन लेड टू एक्सपेरिमेंट्स विद फॉर्म एंड वर्क डेट ड्रॉज अटेंशन टू द प्रोसेस एंड मटीरियल यूज, जो एक्सपेरिमेंट और यानी कि जो काम और जिस फॉर्म के ज़रिए तजर्बात किए जाते थे वो मवाद और तरीके अमल के इस्तेमाल को अपनी तरफ खींचते थे, अपनी तरफ लेते थे। गाइस, ये था आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।